दोस्तों, मैं हूं आपका अपना उसामा और आप देख रहे हैं ऑल स्टेप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कुछ गूगल्स के सीक्रेट्स जो बहुत कम लोगों को पता होंगे। आइए देखते हैं। सिंपली हम अपना गूगल क्रोम ओपन करते हैं। और हमें अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई भी टैब, हमने बहुत से टैब्स यहाँ पर खोल रखे हैं, किसी भी टैब में जाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे टैब बार पे टैप करते हैं, उसके बाद किसी और टैब में जाते हैं। यहाँ से जाने का शॉर्टकट ये है कि अगर आप यहाँ पे इसको यूँ करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा टैब, लेकिन जब आप एड्रेस बार के ऊपर टच करके इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा टैब आपका। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं एड्रेस बार के ऊपर कर रहा हूँ ये हमारा टैब चेंज हो रहा है, लेकिन जब हम सामने स्क्रीन को पकड़ते हैं तो ये चेंज नहीं होता। इसी तरह से हम इसको पकड़ के जैसे ही नीचे लेकर आएंगे एड्रेस बार पर हम क्लिक करेंगे, जैसे ही हम एड्रेस बार को पकड़ के नीचे लाएंगे इस तरह से हमारे सारे टैब हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये फीचर्स बहुत कम लोगों को पता होगा। एक फीचर्स मैं ये बता दूँ इसका, सिंपली अगर हमें ये पेज अपना सेव करना है तो हम किस तरह से ये पेज अपना सेव करेंगे, या कोई भी हमें पेज ये सेव करना है, जैसे हमें ये पेज सेव करना है, ये फॉर एग्जाम्पल ये एजुकेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आइए देखते हैं इसको हम सेव कैसे कर सकते हैं ऑफलाइन में भी। सिंपली हम इस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर शेयर का बटन ये आपको नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। शेयर के बटन में हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारा जो ये आपको ऑप्शन दिख रहा है ये सेव पीडीएफ का, इसमें क्लिक करेंगे पीडीएफ पे और ये हमारा पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएगी। ये देखिए, ये हमने इंटरनल स्टोरेज इसकी सेव कर रखी है, यहाँ पर सेव का बटन दबाएंगे तो ये हमारा पीडीएफ फाइल में सेव हो चुका है ये पेज। आइए इसको चेक करते हैं। सिंपली हम बैक करते हैं, ये फाइल मैनेजर ओपन करते हैं, स्टोरेज में जाते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास टीपी लिंक जैसे हमने सेव किया था इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए ये हमारा पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है, जूम करके भी देख लेते हैं, ये देख सकते हैं कि कितना क्लियरली सेव हुआ है, हर वर्ड आपको एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप कोई भी साइट्स को अपने पास सेव करके रख सकते हैं और इसी तरह आप अपनी एजुकेशन में भी ये चीज़ हेल्पफुल है। सिंपली हम बैक करते हैं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, हम यहाँ से वाईफाई को ऑफ़ कर देते हैं, हमने वाईफाई ऑफ कर दिया है और अब हम इसको रीलोड कर लेते हैं। हमने अपना वाईफाई ऑन ऑफ कर दिया है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यू आर ऑफलाइन और यहाँ पर एक छोटा सा डायनासोर आ रहा है। ये एक मिनी गेम है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, इसको हम जैसे ही टैप करेंगे तो ये हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, हम इसको टैप करते जाएंगे और ये हम हर्डल्स के ऊपर से हमें जंप करना है, हम सिंपली ये गेम खेल सकते हैं जब हमारा इंटरनेट बंद हो जाए, और जैसे ही हमारा इंटरनेट ऑन होगा और फिर हमारा काम वहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये थे कुछ जो आपको शायद नहीं पता होंगे, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर लाजमी कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस आपको और भी मिलती रहेंगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।